मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश संगठन प्रशासन प्रभारी श्री लाखन सिंह गोहर एवं साहित्य प्रकोष्ठ के मुकेश नरवाले, गोपाल खांडवी इंदौर संभाग संगठन के अध्यक्ष राजेश चावरे एवं साथीगढ़ द्वारा गीतकार शायर सी के चंचल की किताब का विमोचन गागर में सागर विमोचन में संगठन द्वारा राष्ट्र गौरव सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। देश ये है कि मैंने जो 500 पुस्तकें लिखी है जी, समाज के वो विद्यार्थी प्रतिभावान जो परिवार की आर्थिक परेशानी की वजह से सातवीं आठवीं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, मैं अपने जीवन भर की पूंजी इस किताब के रूप में बेचना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों की मदद के लिए। इस पुस्तक में आपने क्या मुख्य संदेश दिया है? भजन है, गजलें हैं, गीत है, डॉक्टर अम्बेडकर पे गीत है, गोगादेव पे गीत है, राम पे गीत है, दुर्गा माता पे गीत है, सभी प्रकार के उसमें गीत हैं। और 27 वर्षों से जो समिति ने अभी तक का कार्य किया है वो कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ये मैं महू की वाल्मीकि समाज की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये जो पुस्तक आपने लिखी है इस पे आप इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, किस तरह की समाज सेवा आपकी? समाज सेवा मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि आर्थिक परेशानी की वजह से जो समाज के विद्यार्थी सातवीं आठवीं के बाद में पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं उन लोगों की मदद उस फंड से की जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा डोनेसर मेरी पुस्तक की बिकने के बाद में 1 लाख रुपए से शुरुआत की जाएगी। समिति के सारे सदस्य प्रति महीने उसमें 100 रुपए डाला करेंगे और उन पैसों से बच्ची की मदद की जाएगी। तो आपने भी शुरुआत कितने लोगों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, क्या आपका उद्देश्य है इसमें आगे, आप इसको किताब और भी किताबें निकालेंगे, किस तरीके की आपकी योजना आगे भी? अभी मैंने इस पुस्तक के अंदर वर्णन करा है कि अगले अंक की झलकियां हैं उसके अंदर, एक एक दो दो शेर उसमें डाले हैं क्या क्या लिखना है। गोगा पुराण भी लिखने की मेरी तमन्ना है जो मैं लिखूंगा समाज के लिए, और उसके आगे भी जो आएगी वो भी इन विद्यार्थियों को समर्पित। बाबा साहब की नगरी से आप हैं, बाबा साहब की जन्मस्थली है जहाँ से आप हैं, आपको ये सब शिक्षा के प्रति इतनी अलग आप में कैसे जागृत हुई और कैसे आप इसकी दिशा में आगे बढ़े? सीधी सी बात है, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ बाबा साहब शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने शिक्षा पे ही ज्यादा जोर दिया, तो इसके लिए गीत है कि चंद्र लाइन पेश करना चाहता हूँ मैं। जी सर। नन्हा सा एक फरिश्ता बना कौम का निशान, नन्हा सा एक फरिश्ता बना कौम का निशान और बालक महू का बनकर रहा शान हिंदुस्तान। क्या बात। अपमान झेल झेल कर होता रहा जमा, दुख दर्द दलित को उनका रग रग में था रमा, उनकी जबा बना जो थे वर्षों से बेजुबान, बालक महू का बनकर रहा शान हिंदुस्तान। विद्यार्थी दलित को उनका इतना बदहाल था कि जिल्लत उठा के पढ़ना भी जिसका मुहाल था। क्या बात। मानी ना जिसने हार था वो अम्बेडकर महान, बालक महू का बनकर रहा शान हिंदुस्तान। मंदिर में आने जाने तक अछूतों के रोक थी दलितों, गीत है डॉक्टर अम्बेडकर पे गीत है, गोगादेव पे गीत है, राम पे गीत है, दुर्गा माता पे गीत है, सभी प्रकार के उसके गीत हैं। और 27 वर्षों से जो समिति ने अभी तक का कार्य किया है वो कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ये मैं महू की वाल्मीकि समाज की जनता को विश्वास दिलाना चाहता। पुस्तक आपने लिखी है इस पे आप इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, किस तरह की समाज सेवा आपकी? समाज सेवा मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि आर्थिक परेशानी की वजह से जो समाज के विद्यार्थी सातवीं आठवीं के बाद में पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं उन लोगों की मदद उस फंड से की जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा डोनेसर मेरी पुस्तक की बिकने के बाद में 1 लाख रुपये से शुरुआत की जाएगी। समिति के सारे सदस्य प्रति महीने उसमें 100 रुपये डाला करेंगे और उन पैसों से बच्चे की मदद की है। आपने भी शुरू कितने लोगों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, क्या आपका उद्देश्य है इसमें आगे, आप इसको किताब और भी किताबें निकालेंगे, किस तरीके की आपकी होगी आगे भी? अभी मैंने इस पुस्तक के अंदर वर्णन करा है कि
अगले अंक की झलकियाँ हैं उसके अंदर, एक एक दो दो शेर उसमें डाले हैं, क्या क्या लिखना है वो का पुराण भी लिखने की मेरी तमन्ना है, जो मैं लिखूँगा समाज के लिए, और उसके आगे भी जो आएगी वो भी इन विद्यार्थियों को समर्पित। बाबा साहब से आप हैं, बाबा साहब की जन्मस्थली है यहाँ से आप हैं, आपको ये सब शिक्षा के प्रति इसकी अलग आप जैसे जागृत हुई होती से आप इस दिशा में आगे सीधे सी बात है। जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब शिक्षा का उद्योग थे और उन्होंने शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर दिया, तो इसके लिए गीत है कि चंद लाइन पेश करना चाहता हूँ मैं। नन्हा सा एक फरिश्ता बना कौम का निशान, नन्हा सा एक फरिश्ता बना कौम का निशान, और बालक महू का बनकर रहा शान हिंदुस्तान। अपमान झेल झेल कर होता रहा जमा, दुख दर्द दलित कौम का रग रग में था रवा, उनकी जबा बना जो थे बरसों से बेजुबान, बालक महू का बनकर रहा शान हिंदुस्तान। विद्यार्थी दलित कौम का इतना बधा था, जिल्लत उठा के पढ़ना भी जिसका हुआ, क्या बात मानी ना जिसने हार था वो अम्बेडकर महान, बालक महू भवन ग्रह शान हिंदुस्तान। मंदिर में आने जाने तक अछूतों के रोक थी, दलितों पे जुल्म जाति बेरोक टोक थी, सहता रहा वो जुल्म करता रहा विश्वान, बालक महू भवन ग्रह शान हिंदुस्तान। वो गुरूर सहता रहा वो जुल्म करता रहा विश्वान, बालक महू भवन ग्रह शान हिंदुस्तान। वो गुरूर स्वर्णों के सभी तोड़ता गया और अपने बुलंदियों के निशा छोड़ता गया, कामयाबी उसकी देख कर हैरान था जहान, बालक महू भवन के रहस्य हिंदुस्तान। आंधी में उसने दीप जला कर दिखा दिया और अपना नसीब खुद ही बना कर दिखा दिया, चंचल उस भारत रत्न ने लिख डाला संविधान, बालक महू भवन के रहस्य। क्या बात मैंने अभी टी सीरीज के लिए रिकॉर्डिंग किया है उस्ताद सी के चंचल साहब का, और मेरा जो रॉयल्टी मिलेगी आज मैंने वाल्मीकि अधिकारी कर्मचारी संघ जिसमें हमारे डॉक्टर दिनेश बिवाल भी सम्मिलित है उसके अंदर राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे मुकेश जी भोपाल खंडवी के नाम से हैं, और हमारे रामकिशन जी पंवार साहब ये भी साहित्य उसमें हमारे उसमें हैं, और मैं राष्ट्रीय सचिव उसका हूँ अपने संगठन का और मध्य प्रदेश संगठन प्रशासन प्रभारी हूँ। तो आज हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय कमल किशोर कोड़े जी और मेरे मार्गदर्शक सी एल राठौर साहब महामंत्री राष्ट्र के, उनकी अनुशंसा पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आदमी ये काम करने जा रही है और महू के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर की नगरी में, तो अपने संगठन की ओर से आपको आज सिल्वर मेडल राष्ट्र से सम्मानित किया गया है। मैं बस यही इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और इनका आज 71वां जन्मदिन है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जिए हजारों साल, यही आरजू मेरी बस यही कहूँगा। हमारे डॉक्टर दिनेश बिवाल और हमारे आदरणीय मामा श्री सेठ ओम प्रकाश जी कोठारे साहब ये बैठे हैं।